अरे शामे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, शामे आप सारे जिन्ने भी वीर चाहे पठानकोट तो भी वीर आए ने, संगत आई है साढ़े जम्मू कश्मीर तो सारे इलाकों तो साढ़े वीर आए ने, जथेबंदियों के वीर आए ने, किसानों को प्यार करने वाला हर व्यक्ति इतने पुजे है। मैं उन्होंने सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता। मैं रिणी हाँ यूनाइटेड किसान फ्रंट जम्मू कश्मीर वालों अपने वालों जिते मैं सारिया का धन्यवाद करता। नाले दसना चाहता ये जिहड़ी लड़ाई है किसे एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, कि बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। जदों कांग्रेस सी उदों लोगों दीआं जिहड़ीआं परेशानियां सन उस वक्त भी सन, अज बीजेपी सरकार आई है अज भी बहुत ज़्यादा परेशानियां असीं देख रहे हैं। तो समाज जदों उन्हां परेशानियां दा सामना करदा होया, जिहड़े हालात इन्ने बिगड़ जांदे ने उस वक्त लोगों की आवाज़ जिहड़ी है वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो अपनी आवाज़ सांझे तौर पर सरकारां तक पहुँचाते हैं। तो ये जिहड़ा किसान जिहड़ा अंदोलन है ये किसे एक पंजाब का नहीं, हरियाणा का नहीं, बल्कि पूरे देश का अंदोलन बन चुके है। तो साड़ी गलती इन्नी कु है जे सानू अरैसट किया गया है कि असी किसानों के साथी बने। सानू इस तरह लग्या भी किसान रहेगा, किसान अपनी मर्जी मुताबक मेहनत करके जे साढ़े तक अन्न दाना पहुँचाएगा तो असी थोड़े पैसों के नाल गुजारा कर सकते हैं, पर यही राशन यही सारा कुछ जो अमीर के हाथ चले जाएगा स्टोर हो जाएगा तो आम बंदे नू रोटी खानी रोटी खाने तो भी भाव उस रोटी कमावनी भी औखी हो जाएगी, दो टाइम की रोटी खानी उसके वास्ते औखी हो जाएगी। तो जिहड़ा किसानां दा अंदोलन इस करके है, जिहड़े लोग ये गल कहिंदे ने भी खाली किसानां दा अंदोलन आ बहुत वड्डी अज गलती कर रहे हैं, ये आम गरीबां दा अंदोलन है, आम वो लोग ने जिहड़े दिहाड़ी करते हैं ये उन्हां दा अंदोलन है। सानू समझना चाहिए, असी हमेशा सरकारां नू दूसरे तरीके नाल देखते हैं, क्यों असी कई बार मजहबी रंग देंदे हां इन्हां चीज़ां नू। इत्थे कोई मजहबी रंग की गल नहीं है या लड़ाई किसी एक कम्यूनिटी की सरकार दे नाल नहीं है, बल्कि पूरे देश के लोगों की लड़ाई है, गरीबां की लड़ाई है, मजदूरी करन वाले 300-400 रुपया दिहाड़ी का लैन वाले जड़े लोग ने ये उन्हां दी लड़ाई जड़ी किसान लड़ रहे हैं। तो साडा इन्ना ही सी कि असी इत्थे जाके उन्हां नूं सहयोग दिंदे सी, ट्रैक्टर मार्च में शामिल होया, असी कोई गुंडागर्दी नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, तो असी जड़ा उन्होंने साढ़े ते धारावां ही लाइया बनदियां ने सर, लेकिन उन्होंने लाइया ने, सरकारां दा काम है, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं। तो असी अज एक गल जरूर कहिंदे आ सरकार नूं, अपील करदा मोदी सरकार नूं हथ बन के कि जिहड़ियां सरकारां होंदियां ने वह माँ प्यो की न्याय होंदियां ने, कि जदों लोग किसी सरकार नूं चुन लैंदे ने तो फिर सरकार की जगह हो जाती है माँ बाप की थान, तो प्रजा जिहड़ी आ उन्हां दे बच्चियां की तरह होंदी है। तो जे सरकारां उस नूं वधिया तरीके दे नाल अपने बच्चियां दे अपने लोगों की पालना पोषणा करती है तो वह बच्चे जदों खुश रहिंदे ने लोग खुश रहिंदे ने तो सरकार तुसीं अगले बार फिर जित जाओ। तो साडी हथ बन के मैं मोदी साहब नूं अज मेरा भाईचारा मेरे लोग किसानी नूं प्यार करन वाले पुजे ने, इत्थों अपील करना चाहता मोदी साहब जिद कीतियां, क्योंकि राजे हमेशा जदों हठी हो जाते हैं तो फिर लॉस जनता का भी होंदा तो उन्हां राज्यां दा भी होंदा। तो असी हथ बन के मैं इतों एक अपील करना चाहता जे मेरी आवाज़ पुज सके उत्थे तक, तो मैं कहना चाहवागा तुसी तशद्दुद कोई गल नहीं है अज चलिया कर फिर तुसी कहोगे असी फिर आ जाएंगे, लेकिन असी चाहते हाँ लोगों की आवाज़ है इस नूं प्रवान कर लो तो आने वाला समा तुहाडा होर वधिया हो जाएगा। इन्नी कु अपील करदा एक बार सारिआं दा धन्नवाद, वाहिगुरू जी। जंग अगे भी जारी रखोगे तुसी? जंग कोई नहीं है, जंग तो परायां नाल होंदी है, जंग होंदी है दूसरे देशों के नाल। मैं एक गल कहना चाहुंदा कि असी इत्थे गलत हो जांदे आ, उस साढ़े कई बार तरीकाकार सरकार के नाल लड़न दे कुछ गलत हो जाते हैं, लेकिन साढ़े किसान आगू जिहड़े ने जदों लाल किले का मसला बनया साढ़े किसान आगुआ ने उत्थे भी निखेधी की है, उत्थे कोई उन्होंने ये गल नहीं कही कि भी असी पर वो नीतियां एजेंसियां दियां और सरकारां दे भी कुछ लोग सन जिन्होंने वो घटना वापर वपराई है। तो मैं एक गल कहना चाहता कि भी साड़ी कोई जंग नहीं है, हाँ असी अपने हक मंग रहे हैं, किसान अपने हक मंग रहे हैं, तो वास्ते असी साडा स्टैंड कायम रहेगा सर।